हाय गाइज, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक इक्विटी चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रियलमी 9i 5G में स्मार्ट साइडबार सेटिंग को कैसे इनेबल करेंगे। सो गाइज, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज आपको सेटिंग में ना, सो गाइज सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको कन्वेंस टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट साइडबार का, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्मार्ट साइडबार का। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को अनेबल करने से पहले फ्रेंड्स, हम इतनी मेहनत से वीडियो को बनाते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इसको अनेबल करती फ्रेंड्स, यहाँ पे आप राइट साइड में देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा स्मार्ट साइडबार शो होने लग गया। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने लेफ्ट की तरफ स्वीप किया तो यहाँ पे मेरी फोन की काफी सारी एप्स ओपन होकर आ गई हैं। यहाँ से मैं उन एप्स को यूज कर सकता हूँ। और अगर आपको यहाँ पे और एप्स को ऐड करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट का, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करें फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने आपकी फोन की सारी एप्स आ जाएंगी। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको कोई सी भी ऐप को ऐड करना है तो यहाँ पे आपको उस ऐप पे क्लिक करना है। उस ऐप पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स, मेरे को क्रोम को ऐड करना है तो मैं क्रोम पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करें फ्रेंड्स, मैंने डन पे क्लिक कर दिया। इस पर क्लिक करते ही फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरा क्रोम ऐप ऐड हो गया है और मैं यहाँ से उस ऐप को यूज कर सकता हूँ। और अगर आपको यहाँ पे और ऐप्स को ऐड करना है तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप और ऐप्स को भी ऐड कर सकते हैं और ऐड करके उस ऐप को यूज भी कर सकते हैं। सो गाइज, इस तरीके से आप स्मार्ट साइडबार सेटिंग को अनेबल कर सकते हैं। और गाइज, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और गाइज, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।